नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे त्रिशांश वर्ग कुंडली के बारे में, और आप में से कुछ साथियों के कमेंट्स आए हुए थे कि त्रिशांश वर्ग कुंडली किस प्रकार बनती है, कृपया बताएं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको त्रिशांश वर्ग कुंडली की गणना के बारे में बता रहे हैं, और जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उन साथियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। कृपया पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं त्रिशांश वर्ग कुंडली के बारे में। देखिएगा, हमने यहाँ पर एक बर्थ डिटेल लिया हुआ है 28 फरवरी 2015, 14:45 अर्थात 2:45 दोपहर, दिल्ली। इस बर्थ डिटेल के आधार पर यह एक कर्क लग्न की कुंडली बनती है, और यहाँ पर हमने इस बर्थ डिटेल के आधार पर ही लग्न से लेकर सभी 9 ग्रहों के भोगांश ले रखे हैं। अब इस लग्न कुंडली और भोगांश के आधार पर हम त्रिशांश वर्ग कुंडली की गणना करेंगे। पर त्रिशांश वर्ग कुंडली की गणना करने से पहले आपको कुछ नियम जानने जरूरी होते हैं। यहाँ पर एक राशि को 5 असमान हिस्सों में बांटा जाता है, और वह भी अंशों को इस प्रकार बांटा जाता है जैसा कि हमने यहाँ पर सारणी में दिखाया हुआ है। यहाँ पर हमने 2 सारणी बनाई हैं, एक विषम राशि के लिए और एक सम राशि के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्रह लग्न कुंडली में विषम राशि में है उसके लिए हम विषम राशि वाली सारणी लेंगे, और जो ग्रह लग्न कुंडली में सम राशि में है उसके लिए हम सम राशि वाली सारणी लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रत्येक राशि को 5 असमान हिस्सों में अंशों के आधार पर किस प्रकार बांटा जा सकता है। देखिएगा, यहां पर लिखा हमने विषम राशि के लिए, अर्थात जो ग्रह लग्न कुंडली में विषम राशि में है उनको त्रिशांश कुंडली में किस प्रकार पोस्ट किया जाएगा, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, बात करते हैं जो ग्रह लग्न कुंडली में विषम राशि में है, अगर वह डिग्री वाइज 0 डिग्री से 5 डिग्री तक हैं, तो त्रिशांश वर्ग कुंडली में मेष राशि में जाएंगे। उसके बाद अगर ग्रह 5 डिग्री से आगे 10 डिग्री तक है, यहां 5 डिग्री से आगे का मतलब यह हुआ 5 डिग्री 0 मिनट 1 सेकंड, तो हम दूसरे भाग को लेंगे। तो 5 डिग्री से आगे 10 डिग्री तक अगर ग्रह है तो वह त्रिशांश वर्ग कुंडली में कुंभ राशि में जाएगा। उसके बाद अगर ग्रह 10 डिग्री से आगे 18 डिग्री तक है तो वह त्रिशांश में धनु राशि में जाएगा। अगर ग्रह 18 डिग्री से आगे 25 डिग्री तक है तो वह त्रिशांश में मिथुन राशि में जाएगा। उसके बाद अगर ग्रह 25 डिग्री से आगे 30 डिग्री तक है तो वह त्रिशांश वर्ग कुंडली में तुला राशि में जाएगा। यहां पर देखा हमने 0 से लेकर 30 डिग्री को किस प्रकार बांटा हुआ है। इस बांटने को समझने के लिए आपको एक संख्या 55,875 याद रखना होगा। इस 55,875 से हम यह सारणी आसानी से बना सकते हैं। यहां पर देखिएगा, पहला भाग 0 से लेकर 5, यहां 5 देखिए, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 5 से लेकर 10 दूसरा हिस्सा,
दस में आठ जोड़ेंगे तो 18 आएगा, तो 10 से लेके 18 तीसरा हिस्सा, 18 में सात जोड़ेंगे तो 25 आएगा, तो 18 से लेके 25 चौथा हिस्सा, 25 में पांच जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो 25 से लेकर 30 तक पांचवा हिस्सा। और एक चीज और देखिएगा, यहां पर जो राशियां हैं वह भी विषम राशियां हैं। यहां हमने ग्रह लिए मंगल महाराज, शनि महाराज, गुरु महाराज, बुध महाराज तथा शुक्र महाराज। अब आपने देख लिया, यहां आपने अंश भी देख लिए और जो ग्रह है किस राशि में त्रिशांश में जाएगा वह भी देख लिया। उसके बाद बात करते हैं, अगर ग्रह लग्न कुंडली में सम राशि में है तो त्रिशांश वर्ग कुंडली में कहां पर जाएगा, तो उसके लिए हम सम राशि वाली सारणी को देखते हैं। यहां पर देखिए कंडीशन है कि ग्रह लग्न कुंडली में सम राशि में हो, तो अगर वह ग्रह 0 डिग्री से 5 डिग्री में है तो त्रिशांश में वृषभ राशि में जाएगा। दूसरा हिस्सा देखिए, अगर ग्रह 5 डिग्री से आगे 12 डिग्री तक है तो त्रिशांश में कन्या राशि में जाएगा। तीसरा हिस्सा देखिए, अगर ग्रह 12 डिग्री से आगे 20 डिग्री तक है तो त्रिशांश में मीन राशि में जाएगा। चौथा हिस्सा देखिए, 20 डिग्री से आगे 25 डिग्री तक ग्रह है तो त्रिशांश में मकर राशि में जाएगा। अगर ग्रह 25 डिग्री से आगे 30 डिग्री तक है तो त्रिशांश में वृश्चिक राशि में जाएगा। यहां पर एक चीज आप देखिए, हमने लिया 57,855, ऊपर वाली राशि ली थी हमने 55,875, इस राशि को हमने यहां पर उल्टा लिख लिया। देखिएगा, 5 ये 5, फिर 7, फिर यहां 8, फिर ये 5, फिर ये 5, अर्थात यहां से उल्टा लिखना शुरू कर दिया, तो यह 57,855 आ गया। आप देखेंगे कि हमने जो अंश लिए हैं उसको इस 57,855 के आधार पर आसानी से बांट सकते हैं। जैसे कि 0 से लेकर 5 पहला हिस्सा, ये 5, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 आता है, तो 5 से 12 दूसरा हिस्सा। अब देखिए 12 में 8 जोड़ते हैं तो 20 आता है, तो 12 से 20 तक तीसरा हिस्सा। उसके बाद 20 में 5 जोड़ते हैं तो 25, 20 से 25 चौथा हिस्सा, 25 में 5 जोड़ते हैं तो 30, तो 25 से 30 तक पांचवा हिस्सा। इस प्रकार हम आसानी से इन अंशों को बांट सकते हैं। एक चीज और देखिएगा, हमने यहां पर ग्रह लिए थे, यहां पर मंगल महाराज, शनि महाराज, गुरु महाराज, बुध महाराज और शुक्र महाराज। इस वाली सारणी में, सम राशि वाली सारणी में, हमने ग्रहों को नीचे से ऊपर लिखना शुरू कर दिया, अर्थात उल्टा। यहां पर जो शुक्र महाराज नीचे थे हमने यहां पर ऊपर लिखा, फिर ये सारणी हमारी फिर इस प्रकार हमने लिख दी। शुक्र यहां पर लिखे शुक्र महाराज, बुध महाराज को फिर दूसरे नंबर पर लिख दिया, गुरु महाराज को तीसरे नंबर पर, शनि महाराज यहां चौथे नंबर पर आ गए, मंगल महाराज यहां पर पांचवें नंबर पर आ गए। और हमने यहां पर जो राशि लिखी है, शुक्र महाराज की सम राशि वृषभ, बुध महाराज की सम राशि कन्या, गुरु महाराज की सम राशि मीन, शनि महाराज की सम राशि मकर, मंगल महाराज की सम राशि वृश्चिक, और यहां पर यह विषम राशियां ली है। अब देखिएगा D1 में जो ग्रह विषम राशि में है वह D30 में भी विषम में ही रहेगा, और D1 में जो ग्रह सम राशि में है वह D30 में भी सम राशि में ही रहेगा, जैसा कि आपको यहां पर बताया है। उसके बाद राहु महाराज और केतु महाराज एक ही राशि में D30 के अंदर जाएंगे। उसके बाद कर्क राशि और सिंह राशि में कोई भी ग्रह नहीं जाएगा। इन नियम को हमें याद रखना होगा। अब बात करते हैं D30 की, और उसके बाद देखिएगा सबसे पहले हम D30 का
लग्न निर्धारित करते हैं और D30 का लग्न D1 के लग्न और उसके भोगांशों के आधार पर ही बनेगा। तो D1 में लग्न में है कर्क राशि अर्थात सम राशि और लग्न का भोगांश है 0 डिग्री 9 मिनट। तो यहां पर सम राशि में सम राशि वाली सारणी प्रयोग होगी और हमारा जो लग्न का भोगांश है 0 डिग्री 9 मिनट, 0 डिग्री 9 मिनट पहले ही भाग में आएंगे क्योंकि 0 से लेके 5 डिग्री तक है पहला ही भाग। तो D30 का जो लग्न है वह वृषभ आएगा। तो हमने यहाँ पर D30 में वृषभ 2 नंबर लग्न लिखा और पूरा यहाँ पर सभी राशियाँ कंप्लीट कर ली। उसके बाद अब ग्रह देखते हैं, सूर्य महाराज को देखिए। D1 में सूर्य महाराज विषम राशि में है तो विषम राशि वाली सारणी 15 डिग्री 23 मिनट के हैं। तो 15 डिग्री 23 मिनट के हैं इसका मतलब तीसरे भाग में जाएंगे और त्रिशांश में धनु राशि में चले जाएंगे। धनु राशि में सूर्य महाराज आ गए। उसके बाद चंद्र महाराज देखिए, D1 में विषम राशि में बैठे हैं तो विषम राशि वाली सारणी प्रयोग करेंगे। 16 डिग्री 29 मिनट के हैं तो 16 डिग्री 29 मिनट के तीसरे भाग में ही जाएंगे अर्थात धनु राशि में जाएंगे। तो चंद्र महाराज को भी D30 में धनु राशि में भेज दिया है। अब मंगल महाराज देखिए, मंगल महाराज D1 में मीन में है अर्थात सम राशि में है तो सम राशि वाली सारणी प्रयोग करेंगे। मंगल महाराज 12 डिग्री 21 मिनट के हैं तो तीसरे भाग में जाएंगे, तीसरे भाग का मतलब मीन राशि में। तो मंगल महाराज को यहाँ पर D30 में मीन में भेज दिया जाएगा। उसके बाद बुध महाराज देखिए, D1 के अंदर सम राशि में हैं तो सम राशि वाली सारणी प्रयोग करेंगे। 18 डिग्री 55 मिनट के हैं तो 18 डिग्री 55 मिनट के हैं तो तीसरे भाग में जाएंगे अर्थात मीन में जाएंगे तो बुध महाराज को मीन में भेज देंगे। उसके बाद गुरु महाराज देखिए, गुरु महाराज D1 के अंदर सम राशि में हैं तो सम राशि वाली सारणी प्रयोग करेंगे। 20 डिग्री 51 मिनट के हैं तो 20 डिग्री 51 मिनट का मतलब है चौथे भाग में जाएंगे अर्थात मकर में जाएंगे। त्रिशांश में गुरु महाराज को मकर में भेज दिया। उसके बाद शुक्र महाराज देखिए, शुक्र महाराज D1 के अंदर मीन राशि अर्थात सम राशि में है तो सम राशि वाली सारणी प्रयोग करेंगे। शुक्र महाराज का भोगांश 15 डिग्री 12 मिनट है तो यहाँ पर 15 डिग्री 12 मिनट तीसरे भाग में जाएंगे तो शुक्र महाराज भी त्रिशांश में मीन में चले जाएंगे। यहाँ मीन में चले गए हैं शुक्र महाराज, ये देखिए। उसके बाद शनि महाराज देखिए, शनि महाराज D1 के अंदर सम राशि में है तो सम राशि वाली सारणी प्रयोग करेंगे। 10 डिग्री 41 मिनट के हैं तो यहाँ पर 10 डिग्री 41 मिनट दूसरे भाग में है इसका मतलब कन्या राशि में शनि महाराज चले जाएंगे। शनि महाराज को कन्या राशि में भेज दिया। उसके बाद में राहु महाराज देखिए, राहु महाराज D1 के अंदर कन्या राशि में है सम राशि में है तो सम राशि वाली सारणी प्रयोग करेंगे। 16 डिग्री 22 मिनट के हैं तो यहाँ पर 16 डिग्री 22 मिनट तीसरे भाग में अर्थात मीन राशि में जाएंगे तो राहु महाराज को D30 में यहाँ पर देखिए मीन राशि में भेज दिया है। अब केतु महाराज देखिए, D1 के अंदर मीन राशि में है सम राशि में है तो सम राशि वाली सारणी प्रयोग करेंगे और 16 डिग्री 22 मिनट के हैं तो 16 डिग्री 22 मिनट तीसरा भाग है तो केतु महाराज भी D30 में मीन राशि में चले जाएंगे। यहाँ हमने सभी ग्रहों को पोस्ट कर दिया है। बहुत ही आसानी से आप भी D30 अर्थात त्रिशांश वर्ग कुंडली बना सकते हैं। तो मित्रों, यह विशेष वीडियो ज्योतिष गणित के विद्यार्थियों के लिए हमने अपने चैनल पर D1 से लेकर D30 तक D1, D2, D3, D4, D7, D9, D10, D12 और D30 पर वीडियो बनाया हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट वर्ग कुंडली नामक शीर्षक में जाकर यह सभी वीडियो देख सकते हैं। आशा करता हूं कि मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।